हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ तमन्ना अली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी विद पिज़्ज़ा सॉस रेसिपी। सो अगर आप चैनल पर आए हो न्यू तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ी सी, अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह 4 टेबल स्पून अगर आप इसको रखना चाहते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, आप इसको रेफ्रिजरेटर में एयर टाइट कंटेनर में 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। और मैंने आपको पहले ही होममेड चिली फ्लेक्स की रेसिपी बता रखी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, पर इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें और चीज़ें भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल। उसमें मैंने डाल दी है गार्लिक, अनियंस और टमाटोज। इनको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए। ये हल्के से सॉगी से हो जाए और हल्के हल्के से पक जाए। उसके बाद जो हमने सिंपल एंड क्विक पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, मैं नमक जब मैंने डाला था मैं उसको शूट करना भूल गई थी। यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको और स्पाइसी बनाने के लिए 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर ऐड किया है। उसके बाद इसे ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद इसको आप रेड डायमंड डालकर पीसिएगा। और जब आप इसको निकालेंगे ना, और जब इसको आप पिज़्ज़ा बेस पर लगाएंगे तो बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा जो कि आता है पिज़्ज़ा सॉस का। और ये इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है ना, आप इसको ज़रूर बनाइए अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हो। और हम सब जानते हैं पिज़्ज़ा की जान पिज़्ज़ा सॉस है और चीज़ है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, मेयोनीज आप चाहो तो लगा सकते हो। और हाँ, मैंने आप लोगों के साथ पहले की वीडियो शेयर कर रखी है, पहले आप ये देख लीजिए हमारी, मैंने आपको बाद में दिखाई पिज़्ज़ा सॉस। और मैंने आप लोगों के साथ पहले ही पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रखी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप मेयोनीज घर पर कैसे बनाओ और बेस भी। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई है शिमला मिर्च क्यूब्स में कट करके, आप चाहो तो लंबी लंबी कट कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई है ढेर सारी अनियंस और टमाटोज। आप इसके ऊपर कॉर्न्स मशरूम्स ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल वेजीज हैं, ये नॉर्मल सबके घर में रखी होती हैं, इसलिए मैंने इनको यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी है डाइस चीज़, आप चाहो तो मज़ेदार चीज़ भी ऐड कर सकते हो। मैं इसको बना रही हूँ तंदूर में, इलेक्ट्रिक तंदूर। मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा है आप लोगों के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और मैं इसको रख दूँगी इलेक्ट्रिक तंदूर में। मैं इसको तंदूर बना रही हूँ इलेक्ट्रिक तंदूर में, इसलिए मैं इसको बेक करूँगी 5 मिनट्स के लिए। 3 मिनट बाद आप देख सकते हो। और अगर आप इसके अंदर नहीं बना रहे हो, आप माइक्रोवेव में बना रहे हो, तो आप इसे अपने हिसाब से भी इसमें 2 मिनट बाद देख लीजिएगा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप तवे पर नॉर्मल इसको रख के तवे को आप 5 मिनट के लिए प्री हीट कर दीजिएगा हाई फ्लेम पर। और उसके बाद फ्लेम कर दीजिएगा लो और उसके ऊपर रख दीजिएगा बंद करके लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए। अच्छे से पक जाएगा, आप बिल्कुल दिक्कत, आप टेंशन मत लीजिए। तो लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।